नमस्ते मित्रों, एक अच्छी खबर है। हिंदू जग रहा है। मंदिरों के पैसा गैर हिंदुओं पर खर्चा नहीं होंगे, केवल हिंदू कर्मचारी रहेंगे। देश भर में 4 लाख से अधिक मंदिरों पर सरकारी कब्जा है, एक भी चर्च या मस्जिद पर नहीं है। अकेले आंध्र प्रदेश में 34,000 मंदिर सरकारी कब्जे में हैं। कम से कम 15 राज्यों उन लाखों मंदिरों पर नियंत्रण रखती है। मंदिरों के प्रशासक नियुक्ति करती है, वे जैसे ठीक समझे व्यवस्था चलाते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार अलग। इस बीच जैसी सरकारी विभागों में प्रायः होती है, मंदिरों के कोष और संपत्ति के मनमाने उपयोग दुरुपयोग के समाचार आते रहते हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सत्ताधारी बहुत पहले से मंदिरों की आय का उपयोग अल्पसंख्यक समुदाय को विविध सहायता देने के लिए करते रहे हैं। यह निसंदेह हिंदू विरोधी कार्य भी है। सर्व विवादित है कि कुछ बाहरी धर्म हिंदू धर्म पर प्रहार करते रहे हैं, छल बल से हिंदुओं का धर्मांतरण करते रहे हैं, अपने दबदबे में इलाके में उन्हें मारते भगाते रहे हैं। उन्हीं समुदाय को हिंदू मंदिरों की आय की सहायता देना सीधे सीधे हिंदू धर्म की चोट पहुंचाने के लिए सहायता देना है। हिमाचल प्रदेश की सरकार का सराहनीय कदम। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि वहाँ के मंदिरों में अब सिर्फ हिंदू कर्मचारी ही भर्ती किए जाएंगे और गैर हिंदुओं पर दान का रुपये खर्च नहीं होगा। अमर उजाला की खबर के अनुसार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना की भी जारी कर दी है। राज्य के मंदिरों, शक्तिपीठों व हिंदू धार्मिक संस्थानों को मिलाने वाली चढ़ा व गैर हिंदुओं पर खर्च नहीं किया जाएगा। चढ़ावे में मिलने वाले रुपए, सोने चांदी आदि सब सिर्फ हिंदुओं पर ही खर्च किए जाएंगे। मंदिरों की सुरक्षा से लेकर उनकी समितियों में भी वही लोग शामिल होंगे जो हिंदू धर्म को मानते हैं। भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग ने हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 27 के तहत मंदिर आयुक्त को आदेश जारी भी कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमन ने यह अधिसूचना जारी की है। हिमाचल प्रदेश में कई बड़े मंदिरों हैं जिनमें हर साल हिंदू श्रद्धालु करोड़ों रुपए का चढ़ाया करते हैं। मंदिरों में सोना चांदी समेत कई कीमती धातुओं की बड़ी मात्रा में मिलते हैं, जिन्हें खजाने में भी जमा किया जाता है। धन राशि को बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट बना कर रखा दिया जाता है। अधिकतर मंदिरों में वर्षों से सोने चांदी पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाया है। इन्हीं चढ़ावों से पुरजोरियों से मंदिर अधिकारियों को वेतन भत्ते भी दिए जाते हैं। यहीं से आई रकम मंदिरों में रख रखाव प्रबंधन, प्रतिमाओं, मंदिरों की सजावट, मंदिरों के तहत आने वाले स्कूल कॉलेज और संस्कृत कॉलेज खोलने, सराय बनाने, सड़कों की तैयारी करने पर भी खर्चा किया जाता है। बैंकों में एफडी की गई धनराशि को प्रशासन अन्य विकास कार्यों में खर्चा करते हैं। धातुओं को पिघाल कर श्रद्धालुओं के सिक्के देने की योजना थी, पर यह सफल नहीं हो पाई। 1986 में संशोधन नियम में फिर से संशोधन कर नई प्रक्रिया तय की गई, किए जाने पर काम चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने हिमाचल प्रदेश सरकार के इस फैसलों का स्वागत किया।
संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता व केंद्रीय सहमंत्री विजय शंकर तिवारी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मंदिरों की आय अब गैर हिंदुओं पर नहीं खर्च होंगे। विहिप का प्रयास सफल हुआ। वो भारतीय धरोहर व हिंदू विश्व हिंदू पत्रिका के संपादक भी हैं। हिंदू संगठन देश भर के मंदिरों में सरकारी कब्जे से मुक्त करने का अभियान चला रहे हैं। सरकारी कब्जों के कारण मंदिरों से 13-18% अनिवार्य सर्विस टैक्स वसूला जाता है। यह मस्जिदों या चर्चों में नहीं वसूला जाता। कई मंदिरों में ऑडिट फीस, प्रशासन चलाने की फीस, इनकम टैक्स और दूसरे तरह के टैक्स भी लगाए जाते हैं, जबकि उन्हीं मंदिरों में वेद पाठ करने वाले अर्चकों आदि को पारंपरिक दक्षिणा आदि मिलती थी, वह नहीं मिलती। यह नगण्य मिलता है। किसी किसी मंदिरों की आय का लगभग 65-70% तक विविध मदों में सरकार हथिया लेती है, जैसे पालनी तमिलनाडु में दंडयुत पानी स्वामी मंदिर में। जनता की मांग है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरह सभी राज्यों की सरकार व केंद्र सरकार को निर्णय लेना चाहिए। हिंदुओं के पैसे हिंदू समाज के उत्थान में ही लगना चाहिए। जैसे इतने सारे मंदिर हैं, ठीक वैसे ही मस्जिद भी है और भी जगहें हैं, जैसे कि चर्च है। ये सबसे पैसा वसूला नहीं जाता है, केवल हिंदू मंदिरों से वसूल कर इनको दे दिया जाता है, जिससे कि ये गलत यूज़ कर रहे हैं। जबकि ये अल्पसंख्यक नहीं, इनकी संख्या बढ़ते जा रही है। ईसाई और मुस्लिमों की संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है, आप सर्वे करके भी देख सकते हैं। जय श्री राम। तो जागरूक रहना सभी का कार्य है। सभी हिंदू भाइयों से अनुरोध है कि आप सक्रिय रहें, निष्क्रिय रहना नहीं चाहिए, क्योंकि जिनको ज्ञान है वो सक्रिय रहे तो बहुत अच्छा है। सक्रिय रहे, धर्म के प्रचार प्रसार करें एवं धर्म के अनुसार चलें। और शासन को भी मैं विनती करता हूँ कि वे धर्म के अनुसार चलें, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षताम, अपने धर्म की रक्षा करना चाहिए, स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है। और दूसरे के धर्म में नहीं जाना चाहिए, ये भी भगवान ने कहा है। जय श्री राम।